तो हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल है आपका। मैं हूँ आकाश, आप देखो जीएसएम मौर्य। सॉरी पहले वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, कल भी परसों रात को भी, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और अभी कुछ मैं बेटर हूँ और रिकवर कर रहा हूँ। अगर हम बात करें, आज हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग आपके लिए आईफोन 10 हिंदी हैंड्स ऑन की। हाँ जी बिल्कुल, ओरिजिनल डिवाइस है, ले ली थी हमने, आपको बोला था कि बुक कर ली है तो हमें मिल चुकी है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि गिवअवे का रिजल्ट आ गया, उसका हम अगली वीडियो में आपको रिवील कर देंगे विनर्स का, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को जो आगे मैं शुरू करने जा रहा हूँ, उसमें आपको काफ़ी डिटेल अनबॉक्सिंग और दिखाऊंगा आईफोन 10 में क्या क्या आपको मिल रहा है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे ये कंपेयर करते हैं आईफोन 8 प्लस के साथ। तो दोनों डिवाइसेस हमारे पास हैं, आपको पता है। तो चलिए दोस्तों, पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आगे। तो हाँ जी, कुछ ऐसे बॉक्स मिल जाता है हमें आईफोन 10 का। अगर देखें दोनों साइड में, यहाँ पर और यहाँ पर आईफोन की ब्रांडिंग, यहाँ पर एप्पल का लोगो और ऊपर भी एप्पल का लोगो मिल जाता है। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 256 GB का वेरिएंट है। एप्पल एयरपोर्ट्स लाइटनिंग मिलेंगे, USB लाइटनिंग मिलेगी और थोड़ी डिटेल और लिखी गई है इसमें। और अगर बात करें, यहाँ पर आपको बार को टैग मिल जाएगा जो कि tna.com.cn का, ये ऑफिशियल इनके ऑथोराइज रिसेलर डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा बात करें तो हम डिवाइस को अभी ओपन करते हैं ऐसे कुछ, और अगर देखें इसे निकालते हैं तो मिलता है हमें कुछ ऐसे कैटालॉग। कैटालॉग में हमें वही सब मिलेगा, एप्पल के लोगो मिल जाएंगे और बढ़िया है, मेरे पास कलेक्शन और बढ़ गई थोड़ी एप्पल के लोगों की। और सिम टूल इजेक्टर मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद अगर बात करें, एक इन्होंने यहाँ पर दे रखा है मैनुअल, जिसमें फेस आईडी, उसके बाद होम बटन का ऊपर करके चलाना है और थोड़ा गेस्चर का यहाँ पे बताया है SOS और बाकी। तो इसको हम रखते हैं साइड में। अगर देखें डिवाइस को यहाँ पर, मैं आपको पहले ये बता दूँ कि सामान बिल्कुल वही मिलेगा, एक्सेसरी लाइटनिंग USB केबल और वही नॉर्मल USB चार्जर और लाइटनिंग एयरपोर्ट मिलेंगे, जिसके साथ आपको 3.5 mm के जैक वाला लाइटनिंग पोर्ट मिल जाएगा। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं देखने की, ऑलरेडी हमारे पास है और हमने 8 प्लस का जो रिव्यू किया था वो है। तो अभी मैं इसके साथ पहले आईफोन 8 प्लस को भी रखता हूँ और इसे देखते हैं। अगर हार्डवेयर में तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेक्टेंगल कैमरा दिया गया है। उससे पहले यहाँ पे मैं आईफोन 8 प्लस को यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये रहा आईफोन 8 प्लस और ये रहा आपका आईफोन 8 प्लस का फ्रंट। तो हम डिवाइस को यहाँ पे बूट करते हैं पहले और मैं आपको थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन वहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर बात करें तो कुछ ऐसे हमें मिल जाता है हमारा आईफोन 10। सामने की तरफ हमें मिलता है यहाँ पे 5.8 इंच का 82:9 बॉडी टू रेशियो वाला डिस्प्ले जो कि है सुपर एमोलेड। बात करें तो मिलता है 7 MP का सामने वो कैमरा जो कि फुल HD में रिकॉर्ड करता है, साथ में पोर्ट्रेट मोड भी इसमें आता है। उसके बाद हमें मिलता है स्लो मोशन जो कि HD में रिकॉर्ड करता है केवल 720 पिक्सल के ऊपर 320 फ्रेम रेट पर सेकंड की स्पीड के साथ। साथ में हमें यहाँ पर कान वाला स्पीकर मिल जाता है। नॉचेस हमें यहाँ पर काफी कम दिख रही हैं अगर डिस्प्ले ऑन नहीं है। अगर हम इसकी डिस्प्ले को ऑन कर देते हैं तो आप यहाँ पे नॉचेस भी देख सकते हो और यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक कर रही है वो भी देख सकते हो। ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है ये IR स्कैनर है जिसके साथ ये फेस आईडी के साथ अनलॉक करता है फेस को स्कैन करके, और उसके साथ ही ये पोर्ट्रेट मोड में भी काम करता है जो इसके साथ कैमरा है ड्यूल मोड में फ्रंट। अगर हम यहाँ पर साइड में बात करें तो हमें मिल जाता है एक पावर बटन, साथ में मिल जाती है सिम ट्रे की ऑप्शन। सिम ट्रे इसमें हमेशा माइक्रो डलती है। ऊपर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं थोड़े से एंटीना बैंड के दृश्य जो कि ऊपर और नीचे आप चेक कर सकते हो। विजिबल नहीं है इतने क्योंकि जो इसका कलर है स्पेस ग्रे काफी शाइनी है और लाइट में थोड़ी सी दिक्कत करता है देखने में। यहाँ पर अगर आप साइड में लेफ्ट की तरफ डिवाइस की देखो तो आपको मिल जाता है यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर बटन, उसके बाद आपको मिल जाता है एप्पल का साइलेंट वाला ट्रेडिशनल बटन, ठीक है। उसके साथ ही ऊपर नीचे यहाँ पर भी एंटीना बैंड्स आप देख सकते हो कि जो हल्के हल्के विजिबल हैं। पीछे की तरफ हमें यहाँ पे ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है जो है ड्यूल LED फ्लैश के साथ, साथ में सेकेंडरी माइक एप्पल का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हो एंटीना बैंड थोड़े से विजिबल हैं यहाँ पर भी।
पीछे एप्पल के लोगो के साथ एप्पल की आईफोन लिखा ब्रांडिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ अगर हम यहाँ पे आए तो हमें मिलता है यहाँ पर यूएसबी लाइटनिंग पोर्ट, उसके साथ मिलता है एक माइक, एक स्टीरियो स्पीकर, ठीक है। उसके साथ साइड में हमें यहाँ पे मिल जाते हैं एंटीना बैंड। अगर बात करें ओवरऑल डिवाइस हैंडलिंग की तो काफ़ी बढ़िया है। फेस अनलॉक की बात करें तो काफ़ी फास्ट ये फेस अनलॉक कर देता है, आप देख ही सकते हो। तो ये है इसकी कुछ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी हम बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे। तो डिवाइस यहाँ पर पावर ऑन हो चुकी है दोस्तों। ये नॉच आप देख ही रहे हो जहाँ पर आपको कैमरा वगैरह मिल जाते हैं, आप पीछे देख ही चुके हो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। हम इसका पहले रैपर उतार देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो डिवाइस को ऐसे कुछ आपने चलाना है, ये देखें नीचे से, और इंग्लिश में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अगर आप देख पाओ तो। मैं ISO थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि आपको भी दिख पाए। ओके, तो यहाँ पर जो मेन लैंड है मैं सेलेक्ट करूँगा कंट्री चाइना, उसके बाद सेटअप मैनुअली कर दूँगा। आई मैसेज वगैरह का वो मुझे पूछ रहा है तो मैं अभी नॉट नाउ कर देता हूँ। वायलैन के साथ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसे, तो एक सेकेंड। तो वायरलेस लैन यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है आपके सामने। तो यहाँ पर फेस आईडी आ गई है, हम इसे डाल लेते हैं, देखते हैं कैसे ये दिखता है। ओके, गेट स्टार्टेड। ओके, तो बड़ा ही आपने देखा ऑलमोस्ट आधे सेकंड में इसने कंप्लीट कर दिया। रीपोजिशन, ओके। ओके, सेकंड फेस आईडी कंप्लीट। यहाँ पर हम पासवर्ड रखेंगे तो मैं हमेशा 4 अक्षर का पासवर्ड रखता हूँ पहले, वो रख लेते हैं 1 2 3 4। यूज एनी वे 1 2 3 4। उसने बोल दिया कि ये बड़ा इजी पासवर्ड है, ये मत रखिए, पर हम यही रखेंगे, मेरी मर्जी। सेटअप एज ए न्यू आईफोन करूँगा। यहाँ पर इसे मैं स्किप कर देता हूँ पहले। ठीक है, और यहाँ पर अभी हमारी डिवाइस एक्टिवेट हो गई है, मैसेज आ गया है हमारी सिम का। तो ये कुछ देखिए, अभी आप होम पे हो, जाना है आपने तो कुछ ऐसे आप जाओगे। तो ऐप अगर यहाँ पर आपने स्विच करना है ऐप में, तो यहाँ पर आप साइड में जाओगे और ऐसे कर सकते हो, ठीक है, और चूज़ कर सकते हो, या फिर आप ऐसे स्वाइप कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरा हाथ नहीं थोड़ा चल रहा, टिक रहा इसके ऊपर, पर ऐसे कुछ ये ऐप स्वाइप होंगे इसमें, ये देखिए डन। और अगर आपने होम पे जाना है तो बड़ा ईजी है यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं फेस आईडी की, अगर हम मैं सीधा इसको अपने फेस के ऊपर ऐसे लेके जाता हूँ और अनलॉक हो गया, ठीक है। और ये देखिए अनलॉक काफ़ी फास्ट है। और मैं ऊपर जाता हूँ गेस्चर में, तो यहाँ अपडेट भी आ रखी है। ओके, तो जनरल अबाउट यहाँ पर हमें मिलता है 11.0.1 का ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का, ठीक है। और अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है, पहले तो डिफरेंसेस है 8 प्लस में। अगर यहाँ पर देखें जो 8 प्लस में यहाँ पे कस्टमाइज जो इसका पैनल है, कंट्रोल पैनल यहाँ से निकलता है नीचे से और यहाँ से राइट साइड से आता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। नोटिफिकेशन यहाँ से आप ऊपर से नीचे कहीं से भी ला सकते हो, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करें तो राइट साइड से नीचे में आएगा, ये देखिए लेफ्ट साइड में से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमने आईफोन में नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेना है तो ऐसे लिया जाता है, यानी कि पावर बटन और होम बटन को, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम अप और पावर बटन को दबाकर यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। इसकी मैं एक और वीडियो आपको बना दूंगा जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो मेक दोनों की प्लास्टिक की है पीछे से, और ये गोल्डन कलर में है 8 प्लस और यह है स्पेस ग्रे में आईफोन 10। तो अगर यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो ऐसे कुछ ये वायरलेस चार्ज होता है और आप इसे नॉर्मल कैसे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। और काफ़ी ये फास्ट उठाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दिक्कत आती है रखने में। और अगर आईफोन 8 प्लस की बात करें तो वो भी कुछ ऐसे ही चार्ज करता है, ठीक है। ये जो चार्जर है ऑफिशियली सर्टिफाइड है एप्पल की तरफ से, और जो यहाँ पर फैक्ट्री
बनाती है, उनके साथ हमारी कुछ पार्टनरशिप है यहाँ पे, वो मैं बाद में अगली वीडियोज में आपको बताऊंगा और दिखाएंगे हम आपको। अगर आप यहाँ पर कुछ चमकदार देख रहे हैं तो ये इंफ्रा रेड स्कैनर है जो यूज़ होता है 3D फेस आईडी में। तो कई बार ये करता है, ये देखिए अभी सर्च कर रहा है, नॉर्मल नहीं करेगा। जब इसे मैं ऑन करूँगा और जब मैं इसे कर लूँगा फेस की तरफ और ये अनलॉक कर देगा और ये बंद हो जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह कुछ ये काम करता है, इंफ्रारेड स्कैनर भी और वायरलेस चार्जिंग भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग और थोड़े से फीचर मैंने आपको दिखाए आईफोन 10 के। उसके बाद अगर बात करें, ये डिवाइस काफ़ी मशहूर है। आपको पता है कि आईफोन 7 प्लस में इन्होंने बोके मोड दिया था, 8 प्लस में भी उसको थोड़ा इंप्रूव किया स्टूडियो लाइटिंग के साथ और थोड़े फीचर्स के साथ। तो उसी के लिए मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ जो हमने पिक की है फेस की फ्रंट कैमरा के साथ बोके मोड में। तो उसको आप चेक कीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो हाँ जी, ये फोटोज आपने देख ली, आगे भी मैं आपको इसके काफी कंपेयर दिखाऊंगा काफी डिवाइसेस के साथ, और आईफोन 8 प्लस के साथ, नोट 8 के साथ, एस 8 प्लस के साथ, मी मिक्स 2 के साथ, नोकिया 7 के साथ, ऑनर 7X के साथ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करना है आपका काम, शेयर करना है आपका काम, और काफी मेहनत की है हमने इस वीडियो के लिए, काफी मतलब कि जो हमने बोला था आपको करके दिखाया है। एक बार फिर हिंदी रिव्यू आपके लिए पहले लेके आए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में दबाना है वो बेल आइकन ताकि जब भी हम ऐसी ही नई पहली वीडियो डालें आपके लिए हिंदी में, आपको नोटिफिकेशन आए सबसे पहले, आप देखें वीडियो सबसे पहले। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो काफ़ी बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, दोबारा बेल आइकन को दबाइए, नीचे ऑप्शन में जाइए, ओकेशन के साथ में वो टिक को हटाइए, ऑल के ऊपर लगाइए, नोटिफिकेशन पाइए और खुद जान जाइए नोटिफिकेशन के साथ वीडियो कैसे आती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देखो किस मैं हूं आकाश, नमस्कार, खुश रहिए।